ये वाली वीडियो है टिकटॉक पार्ट टू, यानी कि वाली सीरीज जिसका नाम मैं आपको हेल्प करता हूँ टिकटॉक अकाउंट को थोड़ा पैसे ग्रो करने में, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा काम चला नहीं, टिकटॉक पे फॉलोअर्स काफी आसानी से आ रहे हैं, तो फिर सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो फिर आज की वीडियो का फिर से हम लेकर आए हैं तीन टिप्स, पिछली वाली वीडियो के ऊपर तीन टिप्स, इस वाली वीडियो के अंदर तीन टिप्स हैं जो थोड़ी डिफरेंट होंगी। अगर आप इन सारी सारी वीडियोस को जितनी भी बनाऊंगा वो सबको एक साथ मतलब ऐसे सीरीज वाइज आप देख के सबकी टिप्स को एक साथ इंप्लीमेंट करो अपने अकाउंट के अंदर, तो आपके अकाउंट को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो फिर जो अपनी पहली टिप आज की वो बताने से पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि यार मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लो, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन में। फॉलोवर्स वगैरह कभी नहीं बताता ताकि आप लोग अकाउंट पे आकर एक्चुअली चेक करके आओगे मेरे कितने फॉलोवर्स है। उसके अलावा मेरे मीम पेज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मेरे ब्लॉग वाले चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और मेरे सारे चैनल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाओ सबको फॉलो करो, सब 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 सबको सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है ऋषभ, आप लोग देख रहे हो चैनल, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारी सबसे पहली टिप होगी आज की, वो होगी कि अपने वीडियोज़ के अंदर गाने वगैरह यूज़ करने शुरू कर दो, ट्रेंडिंग गानों को यूज़ करो। क्योंकि देखो क्या होता है, जब कोई बंदा एक गाना सुनता है फिर उसकी वीडियोस देखता है, तो फिर वो बंदा जनरली क्या करता है, उस गाने पे जाता है, उस गाने को ऑडियो को यूज़ करता है अपनी वीडियोस बनाने के लिए। बट साइड बाय साइड वो बंदा बाकी लोगों की भी वीडियोस देखता है उसी सेम साउंड इफेक्ट के साथ। तो साउंड इफेक्ट्स डालना अपनी यूट्यूब वीडियो के बहुत ज़्यादा, यूट्यूब वीडियो कह रहा हूँ, टिकटॉक वीडियो के बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि एक दो बंदा आपकी वीडियो आके देखेंगे, क्योंकि टिकटॉक को पता है कि ये वाली साउंड अभी ट्रेंडिंग चल रही है, ये वाली साउंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, इस साउंड पे जो कंटेंट बन रहा है काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। तो फिर अगर आपकी वीडियो के हैशटैग्स लगे हुए ठीक से, ऐसे मैंने पिछले वीडियो के बताया था, उसके साथ अगर आप साउंड भी यूज़ कर लो तो टिकटॉक एक और ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा कि आपकी वीडियो एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में है और वो वीडियो किसको दिखानी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लाइफ बॉय हाथ धोने वाला ऑडियो लेकर पबजी का गेम प्ले कर लोगे, वो मत करो, कुछ रिलेटेड ही करो उससे। एज ऑलवेज मैं कहता हूँ नीश डाउन करो अपने आपको। उसके बाद जो अगले टिप आएगी हमारे इस लिस्ट के अंदर वो होगा कि आप अपने वीडियोस को रीअपलोड करो, यानी कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, अपने वीडियोस को रीअपलोड करो अपने पेज के ऊपर, बेसिकली कंसिस्टेंट अपलोड्स रखो। ऐसा नहीं कि अगर आप एक दो दिन अगर आप बीमार हो गए, वीडियो नहीं बना सकते, तो आप कुछ भी नहीं डालोगे। अपनी पुरानी वीडियोस जाओ देखो किस वीडियो पे व्यूज़ है, और उसी वीडियो को बार बार डालते रहो थ्रू आउट द आवर्स। अब लोग कहेंगे कि नहीं मैं नहीं डालूंगा, लोग मेरे प्रोफाइल पर आके देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा कि ये तो एक ही कॉन्टेंट बार बार डाल रहा है। वेल हियर मी आउट, टिकटॉक के ऊपर ज़्यादातर लोग फॉर यू पेज पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ना कि फॉलोइंग पेज पर। तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप क्या बार बार पोस्ट करो, लोगों को बस इससे मतलब है कि आप फॉर यू पेज पर। अगर आप फॉर यू पेज पर बार बार उन लोगों के सामने आओगे अपनी वीडियोज़ के साथ, जितने ज़्यादा अपलोड उतने ज़्यादा बार आप फॉर यू पेज के ऊपर होगे, उतने ज़्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे। तो ये एक चीज़ है, अपने कंटेंट को रीअपलोड करो। और रीअपलोड करने से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, कंसिस्टेंट अपलोड्स करो। ये नहीं कि आपने आज एक वीडियो डाली, कल एक वीडियो डाली, परसों से मैं नहीं डाल रहा, ना मैंने वीडियो डाल दी दो दिन की, बस मेरे हफ्ते का कोटा हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंट अपलोड्स रखो, अगर आप नहीं रख सकते जैसे मैंने कहा अपने कंटेंट को रीअपलोड करो। उसके बाद जो होता है अपलोडिंग के बारे में वो होगी, जो आखिरी टिप है इस वीडियो की, वो होगी आप एक दिन के अंदर एटलीस्ट तीन से चार बार अपलोड करो, तीन से चार से छः या तीन से ज़्यादा बार ही अपलोड करो। अगर आप अपने टिकटॉक अकाउंट को विद इन अ वीक ओवर 10,000 फॉलोअर्स ले जाना चाहते हो तो ये करो। अगर आप लोगों को कुछ जानना है कि इस चीज़ के मैं प्रूफ क्या दे रहा हूँ, तो फिर देखो टिकटॉक आपकी वीडियोस को प्रमोट करता है बहुत लोगों को। आप एक दिन में तीन से चार बार अपलोड करो, टिकटॉक को लगेगा कि हाँ ये वो बंदा है जो लोगों को रखेगा मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। रीअपलोड करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर ज़्यादा से ज़्यादा आईबॉल्स चाहिए आपको अपने कॉन्टेंट के ऊपर। जितनी आईबॉल्स उतने ज़्यादा फॉलोवर्स, और जितना फॉलोअर्स उतना ज़्यादा अच्छा आपका टिकटॉक होगा। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, अच्छा तो आपको ये वाली तीन टिप्स भी पसंद आई होगी, और आप इन टिप्स को अपने टिकटॉक अकाउंट के अंदर अप्लाई करके बेसिकली अपने टिकटॉक अकाउंट की ग्रोथ को स्काई रॉकेट कर पाओगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले वाली वीडियो में विद थ्री मोर टिप्स फॉर टिकटॉक अकाउंट। मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ टिकटॉक करके, जिसका नाम मैं आपको टिप्स देता रहता हूँ कि अपने टिकटॉक अकाउंट को कैसे ग्रो करो। बाय द वे मेरे मीम पेज के ऊपर भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी जा रही है, अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम पे ग्रो करने की टिप्स चाहिए तो फिर मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मेरे मीम पेज के अंदर विद इन वीक मैं 1,000 फॉलोअर्स गेन कर लेते। विद हैविंग सेड इट्स मी ऋषभ एंड आई एम साइनिंग आउट।